नमस्कार। आपने जगन्नाथ मंदिर का नाम तो सुना ही होगा। जगन्नाथ मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसे हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। आइए जानते हैं उन्हीं बातों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है, क्योंकि यहाँ पर यह रहस्य अद्भुत बना हुआ है। ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। इसी तरह एक और रहस्य है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाया। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी आपको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए साफ बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरान की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी जानकारी ज़रूर से बताइएगा और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिख के जाइएगा। धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद।